जय हिंद भाई लोग, ये है मणिपुर और असम का जो बॉर्डर, तो मेरे बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ और सामने जाके असम राइफल्स का कैंप है, असम राइफल्स, और मैं अभी जाऊँगा असम राइफल्स का कैंप पे। वो जो ओवर ब्रिज दिखाई दे रहे हैं ना सामने, उस ओवर ब्रिज में है असम राइफल्स का कैंप। तो मैं अभी, ये है मणिपुर, तो मैं अभी फ़िलहाल मणिपुर में हूँ, असम छोड़ के मणिपुर। पुलिस ने कुछ नहीं कहा मेरे को, पता नहीं क्यों। ये जो लोरी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ट्रक, ये असम से आता है मणिपुर में। तो यहाँ पे FCI है, जो कि मतलब जितना भी चावल, जितना भी सब कुछ है यहाँ पे आते हैं पहले, और उसके बाद ये ट्रक से जाता है इम्फॉल, पहले यहाँ पे आके स्टॉक होता है, उसके बाद यहाँ से इम्फॉल जाता है और पूरा मणिपुर में जाता है यहाँ से। मैं आप लोगों को दिखाऊँगा पूरा अच्छा से। एक्चुअली मैं रनिंग करके आया हूँ, ये मेरा रनिंग शूज सब कुछ है। सामने आसाम रेफल्स का कैंप है, मैं आसाम रेफल्स कैंप दिखाऊंगा आप लोगों को। बस आप लोग मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द मेरा चैनल लोगों के पास जाए और लोग सब्सक्राइब किए, और ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आए। आ गए हूँ मैं फाइनली आसाम रेफल्स का कैंप पर। यहाँ से स्टार्ट होता है असम राइफल्स का कैंप, जो कि यहाँ पे लगभग 500 कमांडोस रहता है, हेडक्वार्टर है और ज़्यादा होगा। 1 मिनट, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, यह है असम राइफल्स का कैंप, पहले टिकरी यहाँ पे है। मैं वहाँ से नहीं जा सकता हूँ क्योंकि जाना नहीं देगा वो लोग। ये जो टीन का जो घर दिखा दे रहे हैं ना, ये है असम राइफल्स का क्वार्टर। ये यहाँ पे लगभग 100 के बराबर क्वार्टर होगा जैसे टीन के बने हुए, और अभी तो सारी कमांडोस लोग पेट्रोलिंग में होगा। सामने जाने का, स्टेशन पे जाने के बाद मिलेगा शायद कमांडोस, शायद मिलेगा पता नहीं। मैं पहले जब आया था तब मिले, और मैंने बातचीत किया उन लोगों के साथ बहुत सारी, अभी तो पता नहीं, मैं बता नहीं सकता। तो देखते हैं मिले ना मिले, बहुत दिन बाद लगभग 1.5 साल बाद में आया इस कैंप पे। वो पहले जो कमांडोस था मेरा जाना पहचान शायद, वो लोग ट्रांसफर होकर कहाँ कहाँ चला गया होगा। और अभी पहले ये जो क्वार्टर है ना, ये पहले नहीं था इस साइड में, पहले उस साइड में था क्वार्टर, इस साइड में नहीं था, तो अभी नया बनाया है। वाओ, मतलब असम राइफल्स कैंप में आर्मी का कैंप जो होता है, आर्मी असम कैंप में आने के बाद ही अंदर का जो बॉडी है ना, बॉडी में अलग ही रेस्ट आती है यार आर्मी जॉइन करने। ये है ट्रॉली रेलवे का, जीरीगाम लिखा है वहाँ पे, जीरीगाम स्टेशन। यहाँ से अभी गाड़ी जाएगा, अभी फिलहाल ऐसे सीखा जाता है कैंप, गाड़ी में जाएगा, सुना है मैंने। अंदर कितना अच्छा सीनारी है, आज भी उस पर जाना नहीं देगा वो लोग। ये क्वार्टर, सॉरी स्टेशन में रूम है। यहाँ पे मैं देखा था असम राइफल्स वाला यहाँ पे आके बैठता है हमेशा, मैं देखता हूँ यहाँ पे वैसे। वाओ, अगर मैं ड्यूटी में होता तो मैं भी ऐसा बैठता यहाँ पे आके, पर ड्यूटी में नहीं हुई आज। यहाँ पे 3 कमांडोज बैठता है हर रोज, अभी आएगा, मैं देखा था अंदर कुछ कमांडोज मतलब कपड़ा वगैरह चेंज कर रही है, अभी आएगा। मतलब हर आर्मी स्कैम का अंदर मतलब होता है, जैसे कि फॉल्स वगैरह बहुत सारे होता है। ये दुकानदार असम राइफल्स वाला बैठा है, वो है ट्रक असम राइफल्स का। वाओ, इतना बड़ा है यार ये कैंप, बहुत बड़ा है कैंप। अफसोस का बात है, मैं देखा नहीं सकता आप लोगों को ये कैंप, और जितना हो सके मैं दिखाऊंगा। अगर कोई कमांडोस मिल गई तो मैं पक्का दिखाऊंगा, उन लोगों को पूछ के मैं अंदर जाऊंगा पक्का। वाओ, कितना अच्छा नज़ारा है यार, उन लोगों को देख के ना अलग इंटरेस्ट आता है। वो एक लेडी कमांडर है, खड़ा हुआ है वहाँ पे, पता नहीं क्या कर रही है वो। ये मिला मेरे को दूसरी टिकरी असम राइफल्स का, ये अंदर। यार एक भी कमांडोस बाहर नहीं आ रहे, देखो सही है। प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ अपना भाई को। मैं भी एक असम राइफल्स हूँ, असम राइफल्स अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, असम राइफल्स समझो। आज मैं 7 किलोमीटर रनिंग किया, स्लो, एकदम स्लोली रनिंग किया, टाइम लगा 52 मिनट, 52 मिनट लगा मेरे को।
7 किलोमीटर रनिंग करने में, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ना मैं रनिंग नहीं किया, इसलिए हाल से फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि जनवरी में एक अप्लाई है असम कमांड का, तो इसमें जाना है मेरे को। वो एक कमांडो आया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वो सामने दिखाऊंगा, मैं उनके साथ बातचीत करके आऊँगा। तो अब तक आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं दूसरे टाइम जब आऊँगा ना पक्का अंदर जाऊँगा, मैं बातचीत करके आऊँगा उन लोगों के साथ पहले। तो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।